हेलो दोस्तों, मैं आप सबको इस वीडियो में राशन कार्ड डाउनलोड करने के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना होता है, और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको इसमें लिखकर सर्च करना है NFSA, लिखकर आपको सर्च कर देना होता है। दोस्तों, जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना होता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कॉर्नर में 3 लाइन पे आकर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे 3 लाइन पे क्लिक करते हैं, आपको एक और ऊपर में 3 लाइन खुल जाता है। तो आपको फिर से इस पे ऊपर वाले 3 लाइन पे क्लिक कर लेना होता है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाते हैं। तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है, आपको सिटीजन कॉर्नर पे आकर आपको क्लिक कर देना होता है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर नो योर राशन कार्ड स्टेटस पे आकर आपको क्लिक कर लेना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको राशन कार्ड का नंबर के थ्रू आप राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डालना होता है। दोस्तों, अगर आपको अपना राशन कार्ड नंबर मालूम नहीं है, तो मैं उसका एक उपाय बता देता हूँ कि आपको कैसे राशन कार्ड नंबर आपको कैसे पता करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ से होम पेज पे आकर आपको प्ले स्टोर ओपन कर देना होता है, और इसमें आकर आपको सर्च करना है मेरा राशन, और इस पे आकर क्लिक कर देना होता है। आपको ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। हम इसमें पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं। तो यहाँ पे हमें ओपन का ऑप्शन आ रहा है, हम सिंपली ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से आपको इनेबल लोकेशन पे आ रहा है, तो आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है। और यहाँ पे आधार सीडिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पे आकर आपको क्लिक कर देना होता है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि राशन कार्ड नंबर आपको निकालना है। तो आपको सिंपली आधार संख्या पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना होता है। जैसे आप यहाँ पर आधार नंबर डालकर सबमिट करते हैं, ये आपका पूरा कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका ये पूरा फैमिली मेंबर का नाम, और यहाँ पे आपका राशन नंबर भी शो करता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ से सिंपली अपना राशन नंबर आपको यहाँ से नोट कर लेना है, और हमें फिर वहीं पे गूगल क्रोम ब्राउज़र में आकर आपको अपना राशन नंबर यहाँ पे उसमें से देख कर यहाँ पे डाल देना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे अपना राशन नंबर डाल कर आपको दिखा देते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर कैप्चा फिल करना होता है, जो यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं। और यहाँ से हमें गेट RC डिटेल्स पे क्लिक कर लेना होता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, तो हमारा यहाँ पे राशन कार्ड डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ से अपना राशन कार्ड का ये जो दिख रहा है, इसको हम प्रिंट आउट करा कर इससे हम अपना राशन ले सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे अपने घर का पूरा फैमिली मेंबर का नाम यहाँ पे शो करता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।